अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कपड़े में कान आ जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं। ये देखें, ये मैं ट्राउज़र कटिंग करने लगी थी तो ट्राउज़र का एक हिस्सा जो है वो थोड़ा लंबा है और दूसरा हिस्सा है उसका ये कोना ऊपर उठा हुआ है। तो इसको अब मैं कैसे जो है बराबर ले लूँ या किसी हद तक भी इसको करीब कर दूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये मुझे मालूम है कि ये हिस्सा छोटा है तो मैं इसको ऐसे करके खोलूँगी। इस तरीके से खोलने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के और दूसरे कोने से, इसी का दूसरा कोना ऐसे पकड़ के मैं स्ट्रेच करूँगी, ऐसे मैं स्ट्रेच करूँगी। अगर आपके साथ कोई और है, किसी से आप हेल्प ले सकते हैं तो ऐसे करवा लें कि दूसरा कोना किसी और बंदे को पकड़ा दे, पर ऐसे इसको स्ट्रेच करें। और इसी तरीके से अब मैं पहले मैंने इस कोने को किया है, पहले मैंने इस कोने को स्ट्रेच किया है, अब मैं इस कोने को स्ट्रेच करूँगी, इस वाले कोने को, और इसका ऑपोजिट लूँगी मैं, ऐसे ऑपोजिट, ठीक है, ऐसे इसको मैं स्ट्रेच करूँगी जितना हो सकेगा। मैं आपको एक छोटे कपड़े पे डेमो देके दिखाती हूँ कि ये एक जैसे छोटा कपड़ा है, तो आपने इस कॉर्नर को इधर से ऐसे पकड़ के खींचना है और उसके बाद इस कोने को इस कोने से पकड़ के खींचना है ऑपोजिट। होप कि आपको क्लियर नज़र आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कपड़े को खींचना है। देखिए, मैंने दोनों तरफ से खींच लिया है ऑपोजिट, यानी इस साइड को उस कोने से पकड़ के, उस साइड को इस कोने से। अब मैं इसको वापस से रख के देखूंगी कि कितना फर्क आया है इसकी कान में। ये देखिए, मैंने इस तरीके से खींचा है तो पहले ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था, यानी इस पल्ले का इस पल्ले से फ़र्क बहुत ज़्यादा था। अब ये फ़र्क काफ़ी हद तक कम हो गया, ये जो ऊपर वाला पल्ला है ये काफ़ी हद तक करीब चला गया। अब आप ये देखें कि आप अगर मैं ऊपर वाले पल्ले को हटाऊं तो आप नीचे वाले पल्ले में एक चीज़ गौर से देखें कि ये जो ब्लू लाइन है, ये जो नीचे की तरफ जा रही है, ये कोने इसके ड्रॉप हुए हुए, इस वाले पल्ले के कोने ड्रॉप हुए हुए। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये हिस्सा है ये भी थोड़ा नीचे हो जाए ताकि जो थोड़ा सा फ़र्क रह गया है इसमें भी कुछ कमी बेशी आ जाए। यहाँ सेंटर से ये उठा हुआ है तो इसको सीधा करने के लिए मैं इस तरीके से खींचूँगी। कोने से नहीं खींचूँगी, कोने से पहले पहले जहाँ तक वो उठा हुआ है वहाँ तक खींचूँगी। इस कोने से खींचना शुरू किया है, अब मैं उस कोने से खींचना शुरू करूँगी ऑपोजिट, ऐसे। बस कोने से नहीं खींचना मैंने, क्योंकि कोने से ऑलरेडी ड्रॉप है वो। चलो, तो अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। पहले ये कोना जो था बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, अब उसमें थोड़ी कमी। मैं दूसरा पल्ला इसके ऊपर रखती हूँ और कितना जो है ये कम हुआ है। ये देखें, पहले कितना ज्यादा ये जो है इसमें फर्क आ रहा था, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर हुआ हुआ था, ठीक है, और ये नीचे लमका हुआ था। अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है और ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए हैं। और आप नीचे वाले पल्ले को देखें कि इसका जो सेंटर था ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और ये जो ये आखिर का है ये लाइन ड्रॉप्स हो रही थी काफ़ी, अब ये बिल्कुल तकरीबन बराबर हो गया है। ये देखें आप, बिल्कुल मैं इसको आप जोड़ जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बॉर्डर से बॉर्डर टच हो रहा है और ये ऐसे बॉर्डर के ऊपर आ गया। और ये जो हल्का सा थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फ़र्क आ रहा है ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ये भी जब मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी ऐसे करके ट्राउज़र की कटिंग होगी तो ये हिस्सा तो वैसे ही निकल जाएगा, लेकिन आप कान देखें कि काफ़ी हद तक कान इसमें से निकल चुकी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।